प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुहब बानसुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं त्वरित प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य की गणना, कि जो हमारे द्रव्य कण होते हैं, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा कण है, आदि सब क्या होते हैं, द्रव्य कण होते हैं। तो आज हम इनके जो द्रव्य कण जो होते हैं, आज हम उनकी जो तरंग दैर्ध्य वो ज्ञात करने जा रहे हैं, उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो ये जो हमारा प्रोटॉन जो होता है, हम इसके लिए बात करें तो जो हमारा प्रोटॉन होता है, उसकी जो तरंग दैर्ध्य के लिए, देखो इसके लिए स्तर होता है प्रोटॉन के लिए तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्ब्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट टू एम क्यू वी, ये होता है। ये हम फॉर्मूला इससे पहले की वीडियो में हमने ये प्राप्त कर लिया था, ज्ञात कर लिया था। तो ये है लैम्ब्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट टू एम क्यू वी, ठीक है। हम देखो प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं, और यह एच तो है प्लैंक नियतांक, तो एच का मान हम जानते हैं, अपन जानते हैं कि जो हमारा एच होता है, तो चूंकि एच का मान भाई हो, तो क्या होता है, एच का मान जो है, एच जो वैल्यू है वो होती है 6.62 या 6.3 हो सकता है, गुणा 10^-34 जूल इंटू सेकेंड। ये तो भाई एच का मान होता है, एच है प्लैंक नियतांक। और देखो अब देखो एम, एम का मतलब मास यानी द्रव्यमान, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटोन की, तो यहाँ आ जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान। क्यू मतलब आवेश, यहाँ आ जाएगा इसका आवेश, प्रोटॉन का आवेश, और वी का मतलब विभवांतर है। यह देखिए इसमें, तो एम यहाँ पे हो जाएगा एम बराबर हो जाएगा एम पी, एम पी का मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, जो अपन जानते हैं कितना होता है 1.67×10^-27 kg। ये भाई प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। अब देखो द्रव्यमान भी हो गया, एच का मान रख देंगे क्यू, क्यू मतलब आवेश, प्रोटॉन का आवेश, तो यह आ जाएगा क्यू बराबर आ जाएगा क्यू पी, मतलब प्रोटॉन का आवेश, ये हो जाएगा 1.6×10^-19 और कूलाम, ये इसको हो जाएगा आवेश। अब अपन क्या करेंगे, तीनों जो वैल्यू हैं ये हमारा फॉर्मूला है, जो पहले की वीडियो में इसको हमने प्राप्त कर लिया था, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो लैम्ब्डा हो जाएगा लैम्ब्डा पी, पी का मतलब प्रोटॉन का तरंग दैर्ध्य, तो भाई ये हो जाएगा लैम्ब्डा पी बराबर एच, एच का मान रख देंगे, एच का मान है अभी 6.62×10^-34 और अंडर रूट अपॉन अंडर रूट में देखो मान रखे टू, तो पहले से फॉर्मूला में 2×m, यह हो जाएगा देखो एम पी, क्यू हो जाएगा क्यू पी, ठीक है, और वी रहेगा सेम, वी विभवांतर है। अब यहाँ एम पी का मान लिख देंगे, ये है 1.67×10^-27, ठीक है भाई, और क्यू पी का मतलब आवेश, प्रोटॉन का आवेश, तो ये रहा। तो यहाँ इसका मान रखेंगे, तो यह है 1.6×10^-19 और भाई देखो वी को भी रहने देंगे, क्योंकि हमें वी दिया होता है क्वेश्चन में, वी का भी रहने देंगे। अब हम इसको यहाँ तक जो मान है ये आ जाएगा मीटर में, इसमें आ जाएगा मीटर में यहाँ तक, और आगे जब हम इसको सोल्व करेंगे इसको, तो भाई जब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पर जो इसका जो वैल्यू आती है वो आता है 0.2863 ऐसे, और बटे में आ जाएगा रूट बी, ठीक है, यहाँ एनर्जी, इस
इसको पूरे को सॉल्व करने पर ये हमारे अंगस्त्र में हमें इसकी वैल्यू जो है कि वैल्यू हमें प्राप्त होती है। तो ये हमारा था प्रोटॉन के लिए तरंग दैर्ध्य। अब हम नेक्स्ट में अध्ययन करेंगे अल्फा कण के लिए उसका जो तरंग दैर्ध्य अल्फा कण के लिए। तो ये हमने अध्ययन किया था प्रोटॉन के लिए, आगे अध्ययन करेंगे अल्फा कण के लिए। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आगे हम अध्ययन करेंगे अल्फा कण के लिए। तो अल्फा कण के जो लिए है वो हो जाएगा अल्फा कण के लिए तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। ठीक है, देखो जो तरंग कण होते हैं चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे अल्फा कण हो, सबके लिए सेम फॉर्मूला होता है। क्या अभी हम बात कर रहे थे, वो होता है लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट टू एम क्यू वी, ये होता है। अब ये देखो अल्फा कण है, अपन जानते हैं कि अल्फा कण को क्या होते हैं, अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं। किसको होते हैं भाई, हीलियम के नाभिक होते हैं। अब यहाँ पे ये लैम्डा हो जाएगा लैम्डा अल्फा, मतलब अल्फा कण के लिए तरंग दैर्ध्य। एम हो जाएगा एम अल्फा, मतलब अल्फा कण का द्रव्यमान। ठीक है, और क्यू हो जाएगा क्यू अल्फा, मतलब अल्फा कण का आवेश। और बी का यहाँ बी रहेगा, विभवांतर है। और एच यहाँ पे क्या है, प्लांक नियतांक है। तो भाई हम सब में इसका जो फॉर्मूला है, हम सब में इनके जो वैल्यू है इनके मान रख देंगे। अब देखो वही बात है, अभी हम अध्ययन कर रहे थे एच का मान सब जानते हैं फिक्स होता है क्या, 6.62 × 10⁻³⁴ जूल इंटू सेकेंड, ये हमारा एच का मान हो गया। फिर देखो एम एल्फा, एम एल्फा का मतलब अल्फा कण के लिए द्रव्यमान। तो देखो ये एम एल्फा का मान हो जाएगा 4 MPa, क्योंकि अपन जानते हैं अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। जी हाँ, क्योंकि अपन जानते हैं अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं। अल्फा कण होता है 2He4, देखिए अब यहाँ पे 2He4, इसका मतलब क्या है, अपन जानते हैं ये तो होता है परमाणु क्रमांक और ये होता है इसका परमाणु भार, ये द्रव्यमान संख्या, तो 4 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे अल्फा कण होते हैं उनका द्रव्यमान भाई कितना होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। क्लियर, और आवेश देखिए आवेश कितना हो जाएगा, क्योंकि जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या, यहाँ 2 क्या है, प्रोटॉन, इसलिए आवेश क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना। तो एम अल्फा कितना हो जाएगा, 4 MPa का मतलब 4 × 1.67 × 10⁻²⁷ kg, ये इसका माना जाएगा अल्फा का। और देखिए आगे फिर वही क्यू अल्फा, क्यू मतलब आवेश, आवेश कितना है, 2 गुना, प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना, यहाँ जाएगा 2 QP, यानी प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना। आगे सोल्व करेंगे तो 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये आवेश आ जाएगा। अब वी का भी रहेगा, आप अपन ये तीनों वैल्यू यहाँ इसके अंदर पुट कर देंगे, फॉर्मूले के अंदर रख देंगे, ये आ जाएगा लैम्डा अल्फा बराबर एच का मान रखो पहले 6.63 × 2 × 10⁻³⁴ या 3 भी आ सकता है या 2 भी आ सकता है। ठीक है, और बटे में अंडर रूट हो गया 2 × mα, मतलब द्रव्यमान अल्फा कण के लिए दिया जाएगा 4 × 1.67 × 10⁻²⁷। ठीक है भाई, देखो आगे है क्यू अल्फा, आवेश, आवेश कितना, 2 गुना, यहाँ आ जाएगा इसके अंदर 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹, और बी का यहाँ क्या रहेगा, बी का भी रहेगा। ठीक है, तो हमने ये सब वैल्यू यहाँ पुट कर दी, हमने इन सब के मान रख दिए, इनको सोल्व करेंगे
तो सोल्व करने पर ये जो मान आएगा वो आ जाएगा 0.101 बटे में रूट भी एंगस्ट्रम क्रम, ये मान इसको सोल्व करने पर आएगा। तो ये अल्फा कण के लिए आ गई तरंग दैर्ध्य। हमने प्रोटोन के लिए ज्ञात की, अब हम यहाँ पे अल्फा कण के लिए तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात किया। अभी समय छोटा सा न्यूमेरिकल है वो भी एक छोटा सा सोल्व कर लेते हैं। तो किस तरह देखिए, आपको दिया गया है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए विभवांतर दिया गया है 100 वोल्ट और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसके लिए आप डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमारा इसमें इस तरह क्वेश्चन है कि 100 वोल्ट विभवांतर के लिए, 100 वोल्ट विभवांतर के लिए, विभवांतर के लिए इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली जो तरंग दैर्ध्य है वो ज्ञात कीजिए। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, हमें विभवांतर का मान दिया है 100 वोल्ट, हमें इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं, इससे हमने पहले की वीडियो में इसका सूत्र प्राप्त किया था कि इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य होता है लैम्डा ई बराबर 12.27 अपॉन रूट बी एंगस्ट्रम। ये उसके लिए फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो लैम्डा ई बराबर 12.27 अपॉन रूट बी। अब देखिए, हम वी का मान कितना है भाई, वी का मान 100 वोल्ट हम दिया क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखो बोर्ड में आया हुआ है कि 100 वोल्ट विभवांतर के लिए इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए। ये छोटा सा हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, हमने पहले की वीडियो में इसको हमने ज्ञात कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लैम्डा ई बराबर 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, वी का मान रख देंगे 100 वोल्ट, ये देखो यहाँ पे 100 एंगस्ट्रम। आप अपन जानते हैं 100 का वर्गमूल 10 होता है, यहाँ जाएगा लैम्डा ई बराबर 12.27 बटे में 10। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा लैम्डा ई बराबर, यहाँ 28 पॉइंट नीचे 20 उतार लेंगे और क्या जाएगा 1227.1000, मतलब क्या हुआ 1.2 एंगस्ट्रम। यह आ जाएगा लैम्डा ई बराबर 1.2 एंगस्ट्रम आ जाएगा। ये उसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान है। तो हम इस वीडियो में इतना अध्ययन करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।